गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू अपना टीचिंग चैनल। फ्रेंड आज के वीडियो में बात कर रहे हैं एवरेज, दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं औसत। दोस्तों ये पार्ट वन है और दोस्तों मेरा नाम है राहुल। तो इसमें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि इसमें कॉमन कॉमन चीज क्या चीज होती है और इसमें कुछ क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि औसत को हम एवरेज इंग्लिश में बोलते हैं, या हम इसको औसत की वजह हम समांतर माध्य बोल सकते हैं अर्थमेटिक्स में, या हम माध्यम बोल सकते हैं माध्य मीन। तो इसका एक सूत्र होता है औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न का। तो दोस्तों जिस तरह की इसमें इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 5, 7, 3, 2, 8 का औसत ज्ञात करो, तो दोस्तों इसका आंसर इस तरह निकालना है कि इसमें हमें बताया था कि अभी औसत बराबर होता है कि सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो इसको जोड़ लेते हैं, पहले सभी संख्याओं का योग, तो 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 8 और बटे में इन कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ 5 संख्या है, ये 5 का भाग लगा देते हैं, ये हम निकाल रहे हैं एवरेज जिसको हिंदी में कहते हैं औसत। तो दोस्तों अब इसको जोड़ते हैं, तो ये हो गए 10 और 15, 15 दो 17, 17 और 8 25। तो दोस्तों ये हो गया 25, तो यहाँ 25 ऊपर बटे में 5। अब इसको सोल्व करते हैं तो आता है 5, तो अपना आंसर हो जाता है 5 औसत, इसका एवरेज हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है SSC में, बहुत पूछ लिया जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ गलती बहुत से स्टूडेंट कर जाते हैं, यहाँ ये तो कर लेते हैं, उनको ये तो पता है कि एवरेज का सूत्र ये होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग 5 प्लस 4 प्लस 9 कर लेते हैं, इनको 0 प्लस 0 करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो कोई इससे मैं तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि 0 कोई संख्या में प्लस करते हैं तो वो संख्या वही रहती है। और फिर इसको जैसे कि जोड़ लेते हैं, 5 प्लस 4 हो गए 9 प्लस 9 हो गए, ये 18 हो गए। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो 18 कर देंगे, बट इसके नीचे क्या करते हैं कि यहाँ इन 3 जीरो का ध्यान ना दे करके सिर्फ इस 3 संख्या का ध्यान देते हैं और यहाँ 3 से भाग लगा देते हैं। तो 3 से भाग लगाते हैं जो एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें 6 संख्या दी गई है और उनका औसत पूछा है, तो 6 का ही निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस बटे में 6 आएगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं, 6, 3, 18, तो इसका औसत हो जाएगा 3, तो अपना आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना ये है, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन ये है 5, 6, 8, 4, x का औसत ज्ञात करो, जिसमें औसत पूछा है, तो आंसर निकालते हैं। इसका औसत होगा वही औसत का सूत्र क्या होता है कि इन संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, इन संख्याओं का योग 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस x बटा कर देंगे, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, यहाँ 5 हुई। ये इसको ध्यान रखना है कि इसको भी काउंट करना है कि हमें यहाँ 5 संख्या, ऐसा नहीं कि बस ये 4 संख्या इनको ही काउंट कर लो कि 1, 2, 3, 4, 4 है तो यहाँ 4 कर दो, नहीं, यहाँ ये x इधर रखा है, तो इसका मतलब कि इसकी संख्या नहीं बताई गई और ये x है जो एक संख्या में ही आएगा। तो कुल संख्या कितनी होगी, 5 होगी, हम निकाल रहे हैं एवरेज। तो दोस्तों अब इसको जोड़ लेते हैं, अब इसको जोड़ते हैं, 5 प्लस 6 होगा 11, 11 प्लस 8 हो जाएंगे 11 प्लस 8 19, और 19 प्लस 4 हो जाएंगे 23। तो यहाँ ये आ गया 23, अब प्लस ये x है तो इसको इसी तरह x कर देंगे और बटे में जो 5 है ये 5 कर दिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये अपना एवरेज निकल आया, ये अपना एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है 5, 6, 8, 2, x का औसत 8 है, तो यहाँ औसत दे रखा है तो x का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ हमें पता है औसत का सूत्र क्या होता है कि एवरेज, औसत का सूत्र होता है कि लिख ही देता हूँ औसत का सूत्र फिर से लिख देता हूँ कि सभी संख्याओं का योग बटे होगा कुल संख्या, कितनी संख्या है,
तो दोस्तों यहाँ औसत हमें दे रखा है 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 8। और इसके बाद में संख्याओं का योग, जो संख्या है ये, इसको लिख देते हैं 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2 प्लस x बटा, लिख देंगे कि यहाँ कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो ये 5 कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं कि यहाँ इसको ये वृज गुणा बोलते हैं, इसको यहाँ गुणा कर देंगे, 8 × 2 = 40 हो जाएगा, यहाँ तो बराबर हो जाएगा। 5 प्लस 6 होते हैं 11, 11 प्लस 8 हो गए, 11 प्लस 8 हो गए 19, 19 प्लस 2 हो गए 21, 21 प्लस x हो गया, 21 प्लस x हो गया, ये 5 था जो इधर चल गया, और यहाँ जाने पर ये गुना हो जाता है, नीचे से ऊपर जाता है तो गुना हो जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना कि ये हो गया 40। अब इसको सोल्व करते हैं कि अभी यहाँ x की वैल्यू निकालना है, कि यहाँ बोला कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान पूछा है, तो यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ x यहीं के यहीं रह जाएगा, जो 21 है उसको यहाँ भेजते हैं, तो यहाँ प्लस का 21 है, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो 40 - 21 और ये आ जाएगा x बराबर 19, तो अपना x का मान आ गया 19, तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि 2 4 3 1 0 का औसत ज्ञात करो। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि औसत का सूत्र वही, कि औसत बराबर में संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, या संख्या को इनका योग करना है बटे कितनी संख्या है इनको बटे में करना है, और उसको सोल्व करने के बाद औसत आ जाएगा। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट द्वारा, इसका आंसर बताना है कि इसका ऑप्शन है 1 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 0। आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर सब्सक्राइब का ऑप्शन सब्सक्राइब कीजिए, और घंटे का निशान भी दबाइए। और फ्रेंड प्लीज कमेंट द्वारा बताना कि ये वीडियो कैसे लगी, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज फ्रेंड आपको इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप जैसे भी हो सके अपने दोस्तों को बताइए, कि अपना टीचिंग चैनल पे जाइए उस पर पढ़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।